अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा नियम आवेदन करने के लिए और सख्त बना दिए हैं, जिसके तहत अमेरिकी नियोक्ताओं को ये जानकारी देनी होगी कि उन्हें यहाँ कितने विदेशी काम कर रहे हैं। इससे H-1B आवेदन की प्रक्रिया सख्त हो जाएगी। H-1B वीजा अस्थायी नौकरी के लिए होता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले विदेशियों को नियुक्त करती है। ये वीजा भारतीय IT पेशेवरों के बीच में खासा लोकप्रिय है। अमेरिका ने H-1B वीजा के तहत विदेशी कर्मचारियों को रखने से पहले कंपनी से सभी विदेशियों की जानकारी मांगी है, जिसके लिए कंपनी को अमेरिका के श्रम विभाग से मंजूरी लेनी होगी। ये रेगुलेशंस पहले से थी, इनफैक्ट एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर H-1 एज माइग्रेशन कंसल्टेंट्स एज पार्टनर्स हु यूज्ड टू हेल्प हु हेल्प्स कंपनीज विद देयर पेटिशंस वी ऑलवेज मेंशनड और मेड इट अ पॉइंट दैट वी गिव डिटेल्स अबाउट हाउ मेनी फॉरेन वर्कर्स आर देयर व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब इट वाज ऑलरेडी देयर इन प्लेस। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही माइग्रेशन के खिलाफ रहे हैं और अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वक्त आ गया है कि वो अपने चुनावी प्रचार में किए गए वादों को पूरा करे और इसीलिए सिटीजनशिप और वीजा के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।